ये देखिए गाइस, यम्मी टेस्टी, बिल्कुल हल्का फुल्का, आप नाश्ता भी बोल सकते हैं, लंच भी बोल सकते हैं, डिनर भी बोल सकते हैं। जो डाइटिंग करते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है। आज हम बनाने जा रहे हैं नए तरीके से मूंग दाल की खिचड़ी, जो कि बहुत टेस्टी लगेगी खाने में और बहुत यम्मी भी लगेगी। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस ये देख सकते हैं, एक एक कटोरी हमने दाल ले ली है, एक कटोरी मूंग दाल और एक कटोरी चावल, नॉर्मल चावल हैं जो घर में खाए जाते हैं बस वही, और ये दो टमाटर जो कि हमने रख लिए हैं। तो देखिए यही तीन मेन इंग्रेडिएंट हैं। तो चलिए हमने इनको एक घंटे के लिए अच्छे से धुल करके, वॉश कर करके, मतलब अच्छे से भिगो दिया था। तो देखिए इतना सॉफ्ट हो गए हैं कि इनके दाने तोड़ने पर टूट रहे हैं, मतलब एक घंटे कब करीब भिगो दिया था। तो अब चलिए देखते हैं, इनका हम पानी देते हैं निकाल और टमाटरों का हम बना लेंगे पेस्ट। ठीक है, तो इतना करके हम मिलते हैं, टमाटरों का पेस्ट बनाते हैं और चावल का पानी, ये देखिए चावल और दाल का पानी हमने निकाल कर रख दिया, अलग हटा दिया है, फेंक दिया है। और या तो आप चाहें इनको पौधों में भी डाल सकते हैं इनके पानी। तो देखिए चावल हमारे इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि हम ऐसे नेल्स से अपना कट कर रहे हैं तो ये टूट रहे हैं, बस इतने ही सॉफ्ट चावल चाहिए। और ये देखिए दाल भी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। देखिए हम बिल्कुल गली हुई एकदम यम्मी सी खिचड़ी बनाएंगे, उसके लिए एक घंटे अगर पहले चावल और दाल भिगो के रख देंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो देखिए एक ले लिया है कुकर, उसमें हमने 2 स्पून के करीब घी ऐड किया हुआ है। इसे आप ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। ये देखिए इसमें हमने डाल दिया 1 स्पून के करीब जीरा, जीरा तड़कने लगा है तो हम अपना डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, क्योंकि अगर हम ड्राई मसाले ऐसे ही ऐड करेंगे तो नहीं होगा। ये देखिए धनिया पाउडर, ये है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे, बहुत तीखा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हेल्दी रेसिपी है, हेल्दी टेस्टी है इसलिए। तो ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये देखिए हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, इन सारे मसालों को हम भून लेंगे अच्छे से। तो ये देख सकते हैं इतनी देर तक भूनना है कि मसालों से ऑयल हमारा निकलने लगे या घी जो हमने डाला है वो निकलने लगे। तो देखिए घी निकलने लगा है और इन्हें अच्छे से पका लिया है हमने मसालों को। तो चलिए अब आगे का इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, यानी एक कटोरी में दाल और चावल एक में ही भर लेंगे, क्वांटिटी देखने के लिए कि हमारी कितनी क्वांटिटी हो रही है। तो देखिए एक कटोरी भर करके दाल और चावल हुआ है हमारा, तो इसी से हम नाप करके पानी लेंगे। तो एक कटोरी हमारा चावल दाल था तो उसका हम 4 गुना यानी 4 कटोरी पानी ऐड करेंगे। पहले हमने इसमें नमक डाला है और नमक डालकर हम चावल और दाल को हल्का सा फ्राई करेंगे। ठीक है, पहले फ्राई कर लेंगे हल्का सा ऐसे ही, तो इस तरह से चलाते हुए देखिए 1 मिनट तक फ्राई करना है। और अब ये देखिए पानी हम ऐड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जिस कटोरी से हमने चावल दाल नापा था बस उसी कटोरी से हमने पानी डालना है। तो देखिए 4 कटोरी हम पानी ऐड करेंगे, आपके सामने ही देख सकते हैं पूरा, ये देखिए हमने ऐड किया हुआ है 4 कटोरी पानी, और ये रही 4थी कटोरी पानी। तो देखिए गाइस हमने सारा ऐड कर दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला, क्योंकि चटपटा थोड़ा सा टैंगी बन जाएगा ना, तो थोड़ा सा टेस्ट में अच्छा आएगा, इसलिए थोड़ा सा चाट मसाला इसको डाल दिया है। अब हिला करके, ये देखिए नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, तो अब इसे हम ऐसे मिल मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद में इसको हम बंद करके इसमें 4 से 5 विसल लगा लेंगे, क्योंकि हमें बढ़िया घुटी हुई चाहिए। ये खिचड़ी आप 6 महीने के बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग इंसान सभी लोग खा सकते हैं, 6 महीने के बच्चे से लेकर के ऊपर सभी लोग खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी खिचड़ी बन करके तैयार है, यम्मी और टेस्टी। गाइस इसमें आप हरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं और अपने हिसाब से मसाले भी ऐड कर सकते हैं। हमने सिंपल सा बनाया, तो देखिए उतना हमने इंग्रेडिएंट बताया था, पानी वगैरह का माप इसी तरह से लीजिए। देखिए कितने अच्छे से हमारी बढ़िया बनकर तैयार है, अच्छे से ऐसे चला देंगे, मिक्स कर देंगे और चलिए सर्व करते हैं। एक बात और गाइस, आपके पास हरी धनिया हो तो आप मिक्स कर लें, हमारे पास हरी धनिया नहीं थी इसलिए हमने नहीं इसमें ऐड किया हुआ है। और ये देखिए कितना टेस्टी और कितना यम्मी लग रहा है देखने में, तो इसको हम सर्व करेंगे हरी मिर्च के साथ। आप चाहें तो उसको इच्छा अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये यम्मी टेस्टी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइए, लाइक करिएगा।